नमस्कार, मैं चंचल ठाकुर और आप देख रहे हैं बीएमआर भारत टीवी न्यूज। तो आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा रविवार को जमवर आमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। पानपुर रोड कांकरेल मोड़ पर पूर्व सरपंच भाजपा नेता एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष राम स्वरूप मीणा के नेतृत्व में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में 11 बुलडोजर से यात्रा का स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने मीणा गीतों से भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को स्वागत किया। रामस्वरूप मीणा ने गीत गाकर जम्वर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र विधायक टिकट की मांग की। कार्यकर्ताओं ने रामस्वरूप मीणा के जिंदाबाद नारे लगाए। रामस्वरूप मीणा हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को एकजुट कर शक्ति प्रदर्शन दिखाया व अपनी दावेदारी पेश की। रामस्वरूप मीणा ने भाजपा संकल्प यात्रा के संयोजक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन राठौड़, जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा का हाथी के द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया। परिवर्तन यात्रा के साथ चल रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे हदें पार कर दी है। महिला अत्याचार में आज राजस्थान की स्थिति शर्मनाक है। बेरोजगारी के साथ साथ छलावा हो रहा है। अब इस सरकार को बदलने का समय आ गया है और आप कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर लग रहा है कि परिवर्तन निश्चित है। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार व उनके मंत्रियों पर साधा निशाना। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। महिला अत्याचार में आज राजस्थान नंबर वन है। भाजपा नेता रामस्वरूप मीणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों में धांधली हुई है। शिक्षा को व्यवहार का केंद्र बनाकर युवाओं के साथ धोखा किया है। बिजली की कीमतों में 7 बार कीमतों में वृद्धि और 17 बार फ्यूल चार्ज बढ़ाकर आमजन की कमर तोड़ दी। वीसीआर भरकर कनेक्शन काटने का काम किया। कांग्रेस राज में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। अराजकता फैल रही है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस मंत्री इसे मर्दों का देश बताते हैं। जो सरकार महिलाओं का अपमान करे, ऐसी सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता व आम जन रहे मौजूद। आज जो भाजपा के द्वारा परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, उसमें लेकर आप भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है, इसकी नीतियों की वजह से आज इन कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है। और ये महिलाएं, ये युवा साथी आए हैं, इनका प्रेम है मेरे प्रति, इसलिए ये लोग आए हैं। मेरे से प्रेम करते हैं, मैं इनके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। ये मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के आए हैं, मैं जीवन भर बनी रहूंगा इनका सरदार हूँ। आज हजारों महिलाएं आपके समर्थन में आई है। बीजेपी अगर आपको सिंबल देती है तो आप जम्मू रामगढ़ विधानसभा के हुए कौन से कार्य होंगे तो इनको आप प्राथमिकता देंगे? मैं अगर जम्मू रामगढ़ मुझे देती ना, महिलाओं में पहले प्राथमिकता दूंगा। जैसे विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए, जिनके भाई नहीं है, उनके लिए मेरी कड़ाई खाली रहेगी। उनके लिए मैं आगे हमेशा राखी बनाऊंगा। जो भी उनके क्रियाक्रम रीति रिवाज होते हैं वह उनको पूर्ण करूंगा। जम्मू कहा कि रामस्वरूप जी जैसा नेता हो, अगर एक कल को आपके तन मन से साथ दे रहे हो, रामस्वरूप जी के चाहने वालों में
काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आप कैसे क्या कहना चाहेंगे कि जमा रामगढ़ में वर्तमान जो चुनावी दौर चल रहा है, जो स्थिति चल रही है जमा रामगढ़ इस बार परिवर्तन यात्रा जो हमारे परिवर्तन यात्रा का रथ आ रहा है, हम आपको आपके माध्यम के नेटवर्क के माध्यम से बताना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, इस बार जमा रामगढ़ के युवाओं ने, मातृशक्ति ने ये ठान लिया है कि इस बार हमारा जो भी MLA होगा वो युवा होगा, ईमानदार होगा। जैसे कि पिछली बार रामसिंह सरपंच थे, बिल्कुल उनकी बेधाक छवि रही है और ये ईमानदार रहे हैं। इस बार जमा रामगढ़ के युवाओं की पहली पसंद रामस्वरूप मीणा है और ये आज मातृशक्ति ने और युवा संगठन ने ये दिखाया है कि हम इस बार रामस्वरूप मीणा को जमा रामगढ़ के विधायक के रूप में रामस्वरूप कैसा बताना चाहता हूँ कि कम से कम हमारी जीत 50,000 वोटों से। जी युवाओं में सबसे युवा भी है, पार्टी के साथ तनमन से भी लगे हुए हैं, ये काफी समय से फील्ड में एक्टिव भी है और ये युवाओं में सबसे आगे भी चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि रामस्वरूप जी अच्छे मतों से जीतकर विधानसभा क्षेत्र में किन किन विकास कार्यों को लेकर हमेशा आवाज बन के रहेंगे? पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को SP मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया, वो भी उस दौर में जब चुनावी दौर था, तो ये पार्टी की ओर से कुछ ना कुछ संकेत था। कहते हैं कि पार्टी जो भी कुछ करती है सोच समझ के ही करती है। SP मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाना चुनावी दौर के अंदर और SP मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाने के बाद में उस मोर्चे में लगातार काम करना, एक संगठन टीम बनाना, हर कार्यकर्ता को एक दूसरे से जोड़ना और इसी के साथ जमा रामगढ़ की जो प्रमुख समस्या है, हम चाहते हैं, हम अगर बात करें जमा रामगढ़ की पश्चिमी जमा रामगढ़ से लेके पूर्वी राजस्थान तक, उत्तरी जमा रामगढ़ से दक्षिणी राजस्थान तक, अगर जमा रामगढ़ की बात करते हैं सड़कों की स्थिति, जमा रामगढ़ बांध की स्थिति, हर बार कोई इन पर राजनीति करता है और वोट लेके राजनीति अपनी रोटियां सेकता है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर रामस्वरूप को मौका मिलेगा तो हम रामस्वरूप के साथ जमा रामगढ़ के विकास में चार चार लगाएंगे। ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं होगी उसमें विकास नहीं होगा। सरपंचों को विशेष महत्व दिया जाएगा। आज जल जीवन मिशन योजना में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है, जमा रामगढ़ सबसे इससे पीछे है। कोई भी बात जो प्रत्याशी हो जाए, भाजपा का नेता हो, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर हमें मौका मिलता है तो सबसे पहले जमा रामगढ़ में जो प्रधानमंत्री जी आह्वान किया था लाल किले से कि हर घर जल होगा, नल होगा, हम कहना चाहते हैं अगर हमें मौका मिलता है जमा रामगढ़ में तो वास्तविक मोदी जी की वो जो सोच है, हर गाँव हर डाड़ी, जहाँ दूर दराज गाँव में ढाड़ियों में जो लास्ट तक मकान है वहाँ तक हम और जमा रामगढ़ बांध में पानी लेके आएंगे। हमारे इंडिया का साथ।